हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी को एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि इंडिया का एक न्यू एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, जो कि एप्लीकेशन का नाम है संदेश। उस संदेश एप्लीकेशन में व्हाट्सएप जैसा चैट हो रहा है। एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन को डाउनलोड किस तरह करना है और यूज किस तरह करना है, एप्लीकेशन का यूज किस प्रकार किया जाए, तो वीडियो में बने रहिए। और फ्रेंड, उससे पहले इस चैनल में नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि न्यू न्यू अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड, चलते हैं मोबाइल का स्क्रीन में लाइव के साथ दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में एक जरूर लाइक कीजिए। तो गाइस, सबसे पहले क्रोम ब्राउजर या गूगल ओपन कीजिए। एक ब्राउजर, कोई भी एक ब्राउजर ओपन कीजिएगा। ओपन करते इस तरह देखे दिखने को मिलेगा। सर्च बॉक्स में क्लिक कीजिए और लिख दीजिए कि एप्लीकेशन का नाम संदेश एप्स ऐप लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए जो वेबसाइट है, संदेश पटेल गवर्नमेंट, इस ये जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट में क्लिक कीजिए। चलिए क्लिक करते हैं। ये जो वेबसाइट है, इसमें हम क्लिक करके देखते हैं। चलिए देखिए, इस तरह इंटरफेस खुल गया है। तो ये जो डाउनलोडिंग का ऑप्शन है, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए ओके का निशान आ रहा है, इसमें ओके कर दीजिए। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों कि डाउनलोड होने के बाद जो इंटरफेस खुलेगा, देखिए डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड जो हुआ है उसको हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। चलिए इंस्टॉल करके दिखाते हैं। ये स्कैनिंग चल रहा है तो देखिए नीचे कंटिन्यू इंस्टॉलिंग बता रहे हैं। तो चलिए ओके मार के इंस्टॉल में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही इंस्टॉलिंग शुरू हो गया है। इंस्टॉलिंग शुरू हो चुका है। देखिए ओपन और डाउन दो ऑप्शन खुल गया है। तो चलिए ओपन करते हैं। ओपन करके दिखाते हैं क्या क्या इसमें फॉर्म फिलअप करना होता है। सेम टू सेम व्हाट्सएप जैसा, व्हाट्सएप से भी अच्छा है। तो चलिए मोबाइल नंबर में क्लिक करके डाल देते हैं। डाल दिया है। और डालने के बाद देखिए दोस्तों, ऊपर में एक ऑप्शन है गेट ओटीपी, तो मोबाइल वेरीफाई करना होता है। तो चलिए जो ही मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसी मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगा। तो देखिए ओटीपी हो आ गया है। वेरीफाई ओटीपी में ऑप्शन है, उसमें क्लिक करके ओटीपी को वेरीफाई कर देते हैं। चलिए ओटीपी को डाल दिया है। डालने के बाद चल देखिए ऊपर में नेक्स्ट नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। इस तरह इंटरफेस खुलेगा। तो पहले से जिसका जिसका रजिस्टर है संदेश ऐप्स में, तो इसी तरह देखने को मिलेगा, और जिसका जिसका नहीं है तो नहीं मिलेगा। चलिए मेरा है तो स्किप करके नेक्स्ट हो जाता है। चलिए स्किन कर दिया है। मेरा पहले से अकाउंट क्रेडिट किया है इसीलिए इस तरह इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो गाइज, इस तरह स्कैनिंग कॉन्टैक्ट होगा। जितना सारा मोबाइल में कॉन्टैक्ट सेव है, ऑल कॉन्टैक्ट 100 हो जाएगा। तो देखिए चैट, ये जो चैट का ऑप्शन है, और नेक्स्ट में देखिए ग्रुप का ऑप्शन है। देखिए ये ग्रुप है, जितना सारा ग्रुप बनाएगा उतना ही आएगा। तो चलिए हम सेटिंग में चलते हैं, सेटिंग करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले ऐप सेटिंग, परमिशन है तो ठीक है, नहीं है तो परमिशन कर दीजिए। तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन जो मूड नोटिफिकेशन बता रहा है, तो इसमें मूड भी कर सकते हैं। और जो देखिए नेक्स्ट में बैकअप, आप फोटो बैकअप वीडियो बैकअप भी कर सकते हैं। और देखिए मैनेज कॉन्टैक्ट, मैनेज कॉन्टैक्ट में फोन बुक स्कैन एड कॉन्टैक्ट, इस तरह इंटरफेस खुल गया है। तो चलते हैं
ऐप सेटिंग में। ऐप सेटिंग तो मेरा परमिशन दिया हुआ है पहले से, तो ठीक है चलिए रहते हैं। हेल्प में जाते हैं, हेल्प में देखिए इस तरह इंटरफेस देखेगा और नेक्स्ट में लॉग आउट का ऑप्शन है, तो चलिए आप लॉग आउट भी कर सकते हैं अपना हिसाब से, सेटिंग कर लीजिएगा। तो चलते हैं चैट में, चैट में जाके आप प्लस आइकॉन में जाके आप ग्रुप भी बना सकते हैं। सब कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा, जितना सारा कॉन्टैक्ट मोबाइल में सेव है सो हो जाएगा। तो चलते हैं, देखिए इस तरह आप कर सकते हैं। तो चलिए और आगे दिखाते हैं, तो देखिए इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं, सर्च में सर्च भी कर सकते हैं, सर्च बॉक्स में सर्च कर उसके जिसको जिसको ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो